ब्रह्मांड से भी पूर्व परम ब्रह्म ने जो है लिखा आज के जीवन में तुम उतार दो। पंचविद महांग शाय बूटी बटी चूर्ण भस्म दे के आज रोगी को सुधार दो। ब्रह्मांड से भी पूर्व परम ब्रह्म ने जो है लिखा आज के जीवन में तुम उतार दो। पंचविद महांग शाय बूटी बटी चूर्ण भस्म दे के आज रोगी को सुधार दो। नमस्कार, यूसीएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। दिसंबर 2019 से एक महामारी जो फैली है पूरी दुनिया में, उसको लेकर सभी लोग चर्चा करते हैं, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, यहां तक कि एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग आदमी तक क्या है ये कोरोना वायरस जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सब कुछ जानने के बाद वो इस बीमारी को हल्के में ले रहे और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार तो हो ही गया, अलावा इसके कई सारे मौतें हुई है और कई सारे केसेस पॉजिटिव आ रहे। ये सबसे एक चिंताजनक विषय है। और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टिव्स को लोग फॉलो कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे एंशंट साइंसेस है भारत के जिसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। और इसका सबसे बेस्ट उपाय जो है वो आयुर्वेदाचार्य ही बता सकते हैं। तो कोरोना वायरस 19 क्या है और इससे क्या संभावित प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे चलकर, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमने शहर के नामी डॉक्टर अनिल देशमुख सर को यहाँ पर आज हमने आमंत्रित किया। इनसे बात करने से पहले मैं इनका जरा एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ। इन्होंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर से ग्रेजुएशन तक किया, उसके बाद ये पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि पूरे विश्व का एक माना जाना इंस्टीट्यूट है, यहाँ से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये सीधा प्रैक्टिस के लिए नहीं गए बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन्होंने ली विश्व में जाने वाले गुरु डॉक्टर समीर जमदग्नि से। अलावा इसके इनके कुछ खासियत है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन और नाड़ी परीक्षण में इनकी अपनी एक विशेष पहचान है शहर में और अन्य शहरों में। और अलावा इसके ये कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं और मेडिकल साइंस, खासकर आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस के प्रति ये कितने कटिबद्ध है इसके बारे में आज हम जानेंगे इसके बारे में। और आयुर्वेदाचार्य के क्या फीलिंग्स होते हैं इस बीमारी को लेकर, इस एपिडेमिक को लेकर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था कि ये बीमारी तो फैल गई दिसंबर से और पूरे विश्व में इसने इसको अपने लपेटे में ले लिया है, लेकिन एंशंट साइंस बोलता है कि आयुर्वेदिक चार्य, क्योंकि जब 5000 साल पहले इस साइंस का निर्माण हुआ या फिर बाद में बातें हुई तो सबसे खासियत ये रही कि इसके सिद्धांत आज तक नहीं बदले 5000 सालों में। बाकी 35 जो है इनके सिद्धांत बदलते गए, लेकिन ये अभी भी उसी पर काम है क्योंकि इतना दृढ़ विश्वास है कि ये सही तरीके से रिसर्च किया हुआ एक मेडिकल साइंस है। तो व्हाट इज आयुर्वेद सर, और आयुर्वेद से इसको आप कोविड को आगे चलकर कैसे रिलेट करोगे? सर, बहुत सारे लोगों को ये शंका रहती है कि ऐसे सारे एपिडेमिक का आयुर्वेद में कुछ वर्णन था क्या, या पहले के जो आयुर्वेद जो पुराना जो शास्त्र है उसमें इसका वर्णन है क्या, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये पहला सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। तो मैं आज के ये प्रोग्राम के तौर पर मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक में हर चीज़ का सोल्यूशन है, पहली बात, क्योंकि बीमारियों तो बहुत सारी हो सकती है, नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का जो बेसिक चीज है कि कोई भी बीमारी हो उसको नाम कोई भी रहे लेकिन उसको आयुर्वेद के जो बेसिक सिद्धांत है वात पित्त कफ पंच महाभूत षड्रस, इसमें वो पेशेंट को बिठा के डायग्नोसिस, अगर नाम न भी आता हो लेकिन उसको दोष कौन सा खराब हुआ है, दुष्ट कौन सा खराब हुआ है, ये अगर हमें चीजें समझ में आती है तो उसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। उसी के बारे में आयुर्वेद में एक सुभाषित आया है कि विकारो नाम कुशलो न जिरियात कदाचन न ही सर्व विकाराना नाम तो अस्ति दुवास्थिति, मतलब सभी बीमारियों के नाम जानना देना जरूरी नहीं है कि हालांकि उसको ठीक करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके हिसाब से उस चक्कर में न ज्यादा पड़ते हुए ट्रीटमेंट के हिसाब से हमारा अप्रोच हो, उस हिसाब से आयुर्वेद में इसका वर्णन आया है। तो बहुत एक आचार्य जो सुश्रुत है आयुर्वेद के, उन्होंने जो संक्रामक या एपिडेमिक का जो बहुत सुंदर वर्णन उसमें आया है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात एक शय्या सनाश्चापी वस्त्र माल्य अनुलेपनात कुष्ठ ज्वर शोषच नेत्र अभिषंद एवच औपसर्गिक रोगाश्च संक्रमति नरानरम। ये जो पूरा वर्णन है ये पूरा एपिडेमिक के हिसाब से है, मतलब
जो बीमारियां फैलती है तो उसमें आयुर्वेद के हिसाब से चार चीजें इन्वॉल्व होती है। पहली चीज होती है देश, मतलब वो कोई एरिया में शुरू हो जाता है और पूरे जग में उसका फैलाव हो सकता है। दूसरा उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो है वायु का, हवा भी उसमें खराब हो जाती है। तीसरी जो चीज है जल यानी पानी भी उसमें दूषित हो जाता है। और चौथी जो चीज है काल का महिमा, काल भी उसमें साथ नहीं देता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि असमय पे बारिश के समय पे बारिश न होना, धूप के समय में बारिश होना, कभी वादड़ आना, ये सब चीजें हो जो देख रहे हैं, तो इसमें एक ही चीज नहीं है। दिखने को तो हमें एक चीज दिख रही है, लेकिन आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि ये दुनिया में न दिखने वाली चीजें ज्यादा है। उसके हिसाब से हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, होलिस्टिक अगर अप्रोच हमारा कोई भी डिसीज के प्रति रहेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम ऐसे आने वाली कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तो भविष्य में भी ऐसे सारे अटैक आदमियों के ऊपर हो सकते हैं। और इसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो आयुर्वेद में बताया कि अधर्म। इसका मतलब यह है कि हमारा जो रहन सहन, हमारा जो बर्ताव है, अगर हम सत्यवादी नहीं रहे, झूठ बोलने वाले रहे, दूसरे को हम बिना कारण से तकलीफ दे रहे हैं, झाड़ों को पेड़ों को काट रहे हैं, तो इसका अल्टीमेट जो परिणाम धीरे धीरे इस हिसाब से नेचर में आता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। सर जी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको समझाया। एक बात जो जहन में आती है सर कि WHO ने खुद इस बात से की पुष्टि की है कि अभी तक कोई उसका वैक्सीन नहीं निकला है और सिर्फ रिसर्चेस चल रहे हैं पूरे दुनिया भर में, डॉक्टर्स साइंटिस्ट सब इसके पीछे लगे कि ये वायरस क्या है। सवाल ये उठता है कि वायरस नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, ये पता नहीं चल रहा। कई बातें उठती है कि एक लेबॉरेटरी में इसको निर्मित किया गया, और इसका एक पीछे मेन कारण ये है कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्लाइमेट कंडीशन, फॉर एग्जांपल इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ जिस अंदाज में अफेक्ट कर रहा है वो वायरस अपने शरीर पर, अगर आप रशिया चले जाओगे या अफ्रीका चले जाओगे वहाँ टेम्परेचर और क्लाइमेट डिफरेंट है। ये वायरस जो है सभी देशों में एक जैसा असर कर रहा है, जबकि अगर नेचुरल वायरस, जैसे आपने आपके संस्कृत श्लोक में कहा कि नेचुरल वायरस है तो उसको किल किया जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है, न केवल कंटेन करना बल्कि उस चीज़ के बारे में रिएक्शंस जो होते हैं वो भी देखना है। तो आयुर्वेद इस चीज़ को कहाँ तक मानता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल वायरसेस भी रहते हैं? सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है एक्चुअली, लेकिन हमारी जो सोचने की और पेशेंट को ठीक करने के हिसाब से आयुर्वेद ऐसा है कि बिना कारण से कोई बीमारी नहीं होती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। हर चीज को कोई कारण रहता है, और बहुत सारी चीजें अगर हम मानते कि नहीं दिखने वाली इस दुनिया में चीजें अगर ज्यादा है तो उसके पीछे ज्यादा ना पड़ते हुए अभी का जो कंडीशन है इसको अपन कैसे ओवरकम करें, इससे अपन कैसे बाहर निकले, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये कहां से आया, कैसे आया, आर्टिफिशियल है कि मैनमेड है, ये तो ढूंढने से अभी उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा कि अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, तो ये तो उसके ऊपर रिसर्च चलेगा। लेकिन कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, लेकिन शरीर में आने के बाद में जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमको कोई उसकी तकलीफ नहीं होने वाली है। हालांकि वो चीजें अभी हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 80% पॉपुलेशन इसमें जो है विदाउट एनी सिम्टम है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है उनको, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। कल की मैंने जो न्यूज देखी है तो उसमें हर देश में अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका कोरोना का अलग अलग बर्ताव है, अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो भी अपना रंग बदल रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो आयुर्वेद का भी तो कुछ अलग मानना नहीं है उसमें कि व्यक्ति तितक्या प्रकृति, ऐसा मराठी में बोलते हैं, मतलब हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, इम्यूनिटी अलग है, खान पान अलग है, क्लाइमेट अलग है, ऐसी 11 चीज है कम से कम आयुर्वेद में, कि जो सब चीज देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसको अभी ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करें, कौन सा फॉर्मूला बना के दे। सेम टू सेम मेडिसिन आयुर्वेद में कभी भी नहीं थी, ना है, ना रहेंगी। मतलब आपका कहना है कि अगर एक घर में 2-3 पेशेंट्स है बाय चांस तो उनके मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स अलग रहेगी। बराबर सर जी। सर जैसे WHO ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की कि वैक्सीन है या दवाई है, इसके बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई और ऑथेंटिकली नहीं आई है, तो इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ी बात होती है इम्यूनिटी। आपने इम्यूनिटी की बात कही है, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है और उसके क्या टाइप्स है, क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सर ने। आज पूरी दुनिया ये कोरोना के मारे परेशान है और इसका
इसको बचने के लिए सबसे मेन जो बात है वो है हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना, कि जो कि हमारे हाथ में है, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचना, मतलब समय का और पैसे का भी मैं ये समझता हूँ, लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ है, हमारे पास आज समय है। बहुत सारे प्रैक्टिस में हम ये सब चीज़ें देखते कि पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें समय नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सबसे बुद्धिमान प्राणी ये पृथ्वी तलाव के ऊपर कौन है, ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सवाल किया था, तो उनका जो आंसर था बहुत समझने लायक है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य वही है कि जो अपना शरीर की देखभाल करता है, अपन बीमार ना पड़े इसके बारे में सोचता है, उस हिसाब से उसका बर्ताव रहता है, उस हिसाब से वो अपना काम करता है, बीमारी ना पड़े इसके लिए उसका सब खानपान रहन-सहन वैसा रहता है, वही सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, ऐसा भगवत गीता में है। तो सोच समझ लो कि बुद्धिमानी इसी में है कि हमारे जो हाथ में अभी जो समय है कि हम हमारी रोग प्रतिकार शक्ति घर में ही रह के कैसे बढ़ाई जाए, तो इसमें आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आयुर्वेद में जो बेसिक चीज़ें जो बताई है, दिनचर्या है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या करना है, कैसे करना है, जो क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो करना है, दूसरी चीज़ें इम्यूनिटी है, दूसरी चीज़ है ऋतुचर्या, ऋतुचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे देश में 6 प्रकार की ऋतुएँ होती है, तो हर ऋतु में हमारा खानपान थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु की ओर जब जाते हैं तो जो 15 दिन का जो समय रहता है उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है, उसको ऋतु संधि कहते हैं। तो ये ऋतु संधि में 15 दिन के ये समय में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए और इस हिसाब से अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और खानपान की चीज़ें आयुर्वेद में बताई है। इसलिए ही आयुर्वेद की जो दिनचर्या है और ऋतुचर्या है, हर व्यक्ति ने अगर यह समझ लिया और अपने रूटीन में अगर इसका इस्तेमाल किया, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारे बीमारियों से हम ऐसे ही बच सकते हैं। इसके जैसे ही बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जो रोग प्रतिकार शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे मेन जो है वो है हमारा डाइजेशन, मतलब आयुर्वेद ने हमारे जाठरग्नि को या डाइजेशन को भगवान बोला है। तो जब तक हमारा डाइजेशन नहीं बिगड़ता है, जब तक हमारा पेट नहीं बिगड़ता है, तब तक हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये कहावत है हिंदी में, पेट ठीक तो सब बराबर और पेट साफ तो रोग माप, यह हमें कभी भी नहीं भूलना है। और जब तक हमारी ये बेसिक चीज़ नहीं बिगड़ती, इसके साथ में आयुर्वेद में 5 चीज़ें और बोली गई है, जब तक कोई बीमारी नहीं होती। पहले होती है दोष, यानी वात पित्त कफ जब तक अपना इम्बैलेंस नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं दुष्य, मतलब अपना शरीर जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुओं से बनता है। जब तक ये 7 धातु ये बिगड़ती नहीं है, जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तब तक कोई बीमारी नहीं होती है। तीसरी चीज़ है अग्निमांद्य, जब तक हमारी भूख कम नहीं होती तब तक हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती। और चौथी जो चीज़ है वो है आम, बोलते हैं उसको। आम का मतलब है हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, तो अगर जो भी हम खाना खाते हैं वो अगर पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वैसे ही वो एब्सॉर्ब होके शरीर में जमा होने लगता है। शरीर का जो कमजोर पोर्शन है वहाँ पे जाके वो जमा होने लगता है। इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनीवेयर इन द बॉडी कंसिडर्ड एज आम। तो समूल सर्व रोगाना आम इत्यभिधीयते, ऐसा उसके बारे में बोला गया। सभी लोगों का जो मूल कारण है वो है आम, मतलब हमारी डाइजेस्टिव पावर कम पड़ने की वजह से जो इनडाइजेशन होता है उसकी वजह से ही आयुर्वेद में बीमारियाँ होती है। और जो पाँचवीं और लास्ट चीज़ है वो होता है स्त्रोतोरोध। ऐसा ये जो आम है शरीर में जाके सिस्टम में फंस जाता है और वहाँ पे जाके वो सिस्टम की बीमारी पैदा करता है। जो हमारी सिस्टम कमज़ोर है वहाँ जाके अटैक होता है। उस हिसाब से आयुर्वेद का ये जो बेस है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर व्यक्ति ने वात पित्त कफ पंचमहाभूत नेचर में जो 6 टेस्ट होती है इसको समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो आपके जो करीबी वैद्य या डॉक्टर है उनसे, उनकी सलाह से ये सब चीज़ें हमें समझ लेना है। आयुर्वेद का मानना ऐसे ही कि हमारा और नेचर का बहुत करीबी रिश्ता होता है, रिलेशन होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब क्या, जो चीज़ नेचर में बहुत बड़े प्रमाण में है वही चीज़ अपने शरीर में छोटे प्रमाण में रहती है। मतलब नेचर का जो सूरज है वो हमारे शरीर का पित्त है, यानी उष्णता का प्रतीक है। नेचर का जो चंद्र है वो हमारे शरीर का कफ है, और नेचर की जो हवा है वही उसी को हमारे शरीर में हम वात बोलते हैं। इसलिए नेचर में जो भी चेंज आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे सभी प्राणी मात्रा के ऊपर पड़ता है। ये आयुर्वेद है, इसीलिए हमारा जो साइकिल है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, ये जो आयुर्वेद की जो बेसिक चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई है, आयुर्वेद में भी सबसे पहले प्रिवेंशन को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन हम अगर देखते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच, मतलब क्या, नॉर्मल जो व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य रक्षण करना सबसे महत्वपूर्ण है। उम्र बीमार पड़ने के बाद में क्या करना, क्या ट्रीटमेंट करना, क्या उपचार करना, ये आयुर्वेद का सेकंड पोर्शन है। आयुर्वेदिक ग्रंथों की अगर हम रचना देखते हैं तो ट्रीटमेंट का जो चिकित्सा स्थान है वो ग्रंथों के लास्ट में आया है। उस हिसाब से आयुर्वेद का ऐसा इसका सोच है सर। जी, उम्दा कही सर ये बातें। मेरा सवाल था
सर इम्यूनिटी जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? क्योंकि पहले एक जनरल एक बात चली थी कि 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं या 60-70 के ऊपर जो है उन्हीं पर ज़्यादा असर करता है वायरस, लेकिन अभी देखने में आए 16 साल की बच्ची, 2 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, ये भी पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? बराबर, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सर आपने। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई एक ही फैक्टर महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अगर साथ में हम करते हैं तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है वो हमारे इम्यूनिटी के ऊपर आता है। जैसा कि अगर हमें कोई क्रिकेट की अगर मैच जीतना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी बैटिंग साइड बहुत अच्छी हो, हमारी फील्डिंग भी अच्छी होना चाहिए, हमारी बैटिंग साइड अच्छी होना, सामने वाली टीम के बारे में भी हमें स्टडी करना चाहिए, तभी हम वो मैच जीत सकते हैं। उसके हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट देखा जाए तो सबसे जो पहली बात है वो है हमारा जो हाजमा है, हमारा जो डाइजेशन है, उसको कभी भी बिगड़ने नहीं देना है, ये हर व्यक्ति ने सोचना है और उसके हिसाब से हमारा खान पान और बर्ताव हो। दूसरी जो चीज़ है हमारी दिनचर्या जो है, सही समय पर खाना पीना और सोना उठना, ये सब चीज़ें हमने करना चाहिए। हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, व्यायाम के रूल्स रेगुलेशन होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि व्यायाम जो करने के लिए जो बोला गया है आयुर्वेद में कि जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन सही तरीके से की जाए तो, अगर वो गलत तरीके से की जाए तो फायदा होने के वजह नुकसान ही ज़्यादा हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊँगा सर कि व्यायाम किसने करना चाहिए, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले जो सबसे मेन जो है कि जिस आदमी की रात की नींद अच्छे से हुई हो, जिसका पेट अच्छे से साफ हुआ हो, उस व्यक्ति ने खाली पेट सुबह पहले तेल लगा के बाद में एक्सरसाइज करना चाहिए। और एक्सरसाइज किस तरीके से करना है कि जब तक हमको पसीना नहीं आता है, पसीना आने तक अर्धशक्ति व्यायाम करना है, मतलब हमारी जो शरीर की जो ताकत है उसकी आधी ताकत तक ही हमको एक्सरसाइज करना है और वहाँ रुकना है। अगर इससे अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हम एग्जॉस्ट होने वाले हैं और उसका फायदा होने की वजह से हमारा नुकसान ही ज़्यादा होगा। हमारा आयु ह्रास का अगर कोई मेन कारण आयुर्वेद में बता है तो वो है अतिश्रम, अति व्यायाम करने से हमारे आयु का ह्रास होता है, ऐसा आयुर्वेद का कोटेशन है सर। इसीलिए और आजकल हम जो देखते हैं कि जिम में वगैरह कि पहले बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं और बाद में वो तेल लगाते, तो जो उसमें सीक्वेंस है वो गलत है। लेकिन तेल का रोल क्या आ जाता है सर? हाँ, तो इसी तेल का रोल क्या है, इसलिए हमें बेसिक जो है आयुर्वेद का सर वात पित्त और कफ हमें समझना है जी। तो वात है ना, जब तक पहले हमने डिस्कस किया है कि नेचर की हवा है ना हमारे शरीर का वात जो होता है रुक्ष होता है, हल्का होता है, ड्राई होता है, और इसके हिसाब से वात की अगर कोई भी अगर पेशेंट को तकलीफ है तो वो पहले काउंटर पे आता फार्मेसी में और वात का तेल लेके जाता है। तो वात के बहुत सारी बीमारियों में तेल शरीर को लगाना और खानपान में तेल रखना, ये वात की सबसे मेन और घरगुती दवा है। तो उस हिसाब से पित्त भी हमें सोचना चाहिए, पित्त यानी हीट, नेचर की जो हीट है वो अपने शरीर में उसको पित्त बोलते हैं। तो सस्नेह उष्ण तीक्ष्ण तो द्रव अम्ल संरकटु, ऐसे पित्त के गुण बोले गए हैं। तो मतलब शरीर का जो पित्त है स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, तो पित्त के अपोजिट जो प्रॉपर्टीज होती है वो घी में होती है। इसलिए पित्त के विकारों में आयुर्वेद की सबसे बेस्ट जो दवा है वो घी है। और इसी हिसाब से जो कफ की बीमारियाँ है या कफ प्रकृति है, तो गलत खानपान से या हेवी अगर कोई भी चीज हमने खा ली तो उससे एबनॉर्मल कफ बनने लगता है। कफ के भी दो प्रकार होते हैं, साम कफ और निराप कफ, मतलब जो खराब कफ है वो डिसीज करेगा और नॉर्मल जो कफ है शरीर को बिल्ड करेगा। तो कफ की बीमारियों में सबसे जो मेन मेडिसिन है वो शहद है, नेचुरल शहद जो होता है वो सबसे अच्छा मेडिसिन आयुर्वेद में बोला गया है। तो हमें इनडायरेक्ट करना क्या है, तो ये वात और पित्त और कफ, ये तीन चीजों को हमें बैलेंस रखना, यही ट्रीटमेंट है। दोषस्तु रोग वैषम्य, दोष साम्य अरोगता, मतलब क्या, दोषों की साम्यवस्था करना ही यही हमारा ट्रीटमेंट है, और उसका अगर इम्बैलेंस हो गया तो हम बीमारी की तरफ जाते हैं। जी जी, लेकिन सर जैसे आपने कहा ये जो पित्त है या कफ है या वात है, इसको कंट्रोल करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है फिर? हाँ, तो सर देखो कि आयुर्वेद की जो स्वस्थ की जो डेफिनेशन है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति भी दिए थे, मतलब 5000 साल पहले भी हेल्दी पर्सन किसको बोलते हैं, हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले ये हमें समझ लेना बहुत जरूरी है। नॉर्मल व्यक्ति कौन है, जिनके शरीर के ये वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस में है। समधातु रस रक्त आदि जो 7 धातु हमने बताए वो भी एक प्रोपोर्शन में होना, बैलेंस होना। तीसरी जो चीज़ है मलक्रिया, हमने पहले भी बोला है कि पेट साफ तो रोग माप, सुबह उठने के बाद में जिनका पेट अच्छे से साफ होता है वो व्यक्ति नॉर्मल है। और
जिनका आत्मा इंद्रिय और मन यह प्रसन्न होते हैं वो व्यक्ति नॉर्मल कहलाया जाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इधर शारीर भाव पहले बताए गए हैं और दूसरे साइड में दूसरे लाइन में मानस भाव बताए गए। कोई व्यक्ति को ठीक करना या कोई भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए हमारे ये दोनों चीज़ें अच्छी होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति नॉर्मल कहलाता है। और इसमें अगर कोई बिगाड़ आ जाता है तो वो बीमारी की तरफ जाता है। जी सर, एक बात पूछनी थी। जैसे आज एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, मतलब भाग दौड़ लगी रहती सुबह से लेकर रात तक, तो इसमें इंसान रिजुविनेट नहीं होता है, तो रिजुविनेट कैसे की जाती है शरीर को और उससे क्या फायदे होंगे? करेक्ट। तो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, ऐसे भी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी एक ही मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। आयुर्वेद के हिसाब से हर पेशेंट दो प्रकार का होता है। एक व्यक्ति होता है जो जाड़ा होता है, जरूरत से ज़्यादा मोटा होता है, तो उसका ट्रीटमेंट अपना जो है उसको वजन कम करना, उसको वेट लॉस कराना, यही अपना ट्रीटमेंट होता है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो होता है क्रूश, यानी बारीक होता है, तो उसको वजन बढ़ा के देना, यही आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होता है। मतलब बेसिकली आयुर्वेद में पेशेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है बारीक और दूसरा होता है जाड़ा। उसी तरह आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का भी दो प्रकार बताए गए हैं। मतलब बीमारी अगर अल्प मात्रा में ही है तो दवाइयों से पेशेंट को ठीक किया जा सकता, आहार विहार से भी ठीक किया जा सकता, उसको शमन बोलते हैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट बताई है आयुर्वेद में, वो है आयुर्वेदिक पंचकर्म। पंचकर्म का मतलब है अपना शरीर का, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, सर्विसिंग या ओरेलिंग, ऐसा समझो। तो शरीर में बिना काम की चीज़ें किधर भी जमा हो वहाँ से उसको छुट्टा करना, पेट में लाना, एक तो उल्टी से बाहर निकालना उसको वमन बोलते हैं, या पेट साफ होकर बाहर निकालना उसको विरेचन बोलते हैं। तो ये बेसिक होता है आयुर्वेद का पंचकर्म। तो आयुर्वेद में जो एपिडेमिक का जो चैप्टर आया है चरक संहिता में, उसमें भी ये जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले यही बताया गया है कि पहले पंचकर्म से शरीर की मन की शुद्धि करो और बाद में आप ट्रीटमेंट दो। जैसे कि एक आधा शर्ट खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, पहले उसको पहले धोते हैं, बाद में नील देते हैं, बाद में प्रेस करते हैं। वैसे ही अपना शरीर है, जैसे अपन गाड़ी की अपन सर्विसिंग करते हैं, ओवरऑलिंग करते हैं लंबी चलने के हिसाब से। मतलब ज़्यादा दिन हमको कोई भी चीज़ अगर यूज़ करना है, अच्छी रखना है, तो उसकी ओवरऑलिंग सर्विसिंग जरूरी है। उसी हिसाब से आयुर्वेद का पंचकर्म ने एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट होती है और अच्छी ट्रीटमेंट होती है। आयुर्वेद का एक कोटेशन है, दोषा कदाचित कुपंती जिता लंघन पाचने ये तू संशोधन है शुद्धा ते न तेषा पुनरुद्भव। मतलब क्या, एक आध बार हमने दवाई दे के पेशेंट को अगर फायदा हो गया, लेकिन वो कितने दिन ठीक रहेगा ये बता नहीं सकते। लेकिन पंचकर्म करा के अगर ट्रीटमेंट दी जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो अल्टीमेट बहुत लंबे समय के हिसाब से रहता है। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि चौंपरा जैसा जो भी टॉनिक है, पंचकर्म शरीर शुद्ध करा के अगर वो लिया जाए तो ग्रंथ में बताए जैसे जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद का जो पंचकर्म है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो हर व्यक्ति ने जनरली क्या है, 30 या 40 तक कोई शरीर का मेंटेनेंस नहीं होता है, एक यंग आदमी रहता है तो तब तो कोई बीमारी नहीं होती है ना कोई कंप्लेंट रहती है। लेकिन 40 उम्र के बाद में शरीर जब धीरे धीरे ढलता है तो उस हिसाब से नॉर्मल व्यक्ति ने भी रोज तेल लगाने से लेके ये जो बेसिक जो पंचकर्म है, वमन विरेचन बस्ती, वो करीबी वैद्य की सलाह से आप अगर करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि ऐसे कोरोना जैसे कई वायरस आएंगे लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतनी जो ताकत है हमारे भारतीय शास्त्र में है, उसका अनुभव हमने पहले लेना चाहिए। मैं कितना भी बताऊंगा लेकिन हम जब तक करेंगे नहीं तब तक मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि उसका जो क्या फायदा होता है वो आप अनुभव नहीं कर सकेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। लेकिन मैं आपने एक वर्ड यूज़ किया, डाइजेशन, हमारी जो पाचन शक्ति है, तो इस पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग बरकरार रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे सर। रोगा सर्वापी मंदाग्नि सुतराम उदरानी च, ऐसा आयुर्वेद का मेन एक बेस है। मतलब सभी रोगों का जो मूल कारण है वो हमारा डाइजेशन वीक होना, हमारा मंदाग्नि, अग्निमंदे बोला गया है उसको। मतलब जब भी कोई भी पेशेंट को ठीक भी अगर हमें करना है तो पहले हम बेसिक जो चीज़ है वही हमको ठीक करना पड़ता है। मतलब सबसे जो मेन चीज़ है उसको भूख लगती कि नहीं, भूख अगर कम लगती होंगे तो उसको हमें बढ़ा के ही देना है। दूसरी जो बात है, पेट साफ होता कि नहीं अच्छे से, क्योंकि पेट साफ तो रोग माफिया हमने देखा है। तीसरी जो चीज़ है, उनकी नींद अच्छी होती कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के रात की नींद अच्छी होना ये हमारे शरीर की बैटरी की चार्जिंग है। कितने समय तक सोना चाहिए सर, कितने घंटे सोने चाहिए? तो सर कम से कम 6 से 8 घंटे ये जो नॉर्मल व्यक्ति ने सोना चाहिए, लेकिन बच्चों में ज़्यादा घंटे सोना चाहिए, ओल्ड एज में भी ज़्यादा घंटे सोना चाहिए ऐसा है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए और रात में ही सोना है। हमारे हिसाब से अगर रूल तोड़ के नेचर का जो रूल बनाया है उसके हिसाब से हमारे हिसाब से अगर सोने जाएंगे तो निश्चित ही
बहुत सारी बीमारियों को हम खुद होके उसको निमंत्रण दे रहे हैं। आप अगर देखते हैं समाज में या फिर मुंबई जैसे शहर में कि जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या शिफ्ट ड्यूटी वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनको बड़ी बड़ी बीमारी आती है और सब दवाइयाँ खाते रहते, गोलियाँ खाते रहते। लेकिन आप सभी ये बात समझ लीजिए कि सिर्फ दवाई खा के जीना, मतलब खाते रहो आते रहो, ऐसा आयुर्वेद का कंसेप्ट नहीं है। आपको ओवरऑल देख के बीमारी क्यों हुई है, कॉज के हिसाब से आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है, प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। जब तक कोई भी बीमारी का हम कॉज नहीं ढूंढते हैं, सिर्फ दवा लेके क्या फायदा। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसा ब्लड प्रेशर है, समझो तो एक व्यक्ति को ऐसा है कि उसको स्वभाव उनका चिड़चिड़ा है इसलिए उनको ब्लड प्रेशर है, एक को कॉन्स्टिपेशन है इसलिए उनका ब्लड प्रेशर है, एक व्यक्ति ऐसा है कि उनका शिफ्ट ड्यूटी है इसलिए उनका ब्लड प्रेशर रहता है उनको, एक व्यक्ति क्रूश है उसका उनको ब्लड प्रेशर है, एक व्यक्ति जो जाड़ा व्यक्ति है उनको डायबिटीज है इसलिए उनको ब्लड प्रेशर है। तो हर व्यक्ति में तो कारण अलग है, मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में हर व्यक्ति तित्य प्रकृति बोलते हैं मराठी में, उस हिसाब से अलग अलग ड्रग का सिलेक्शन होता है और हर व्यक्ति का मैनेजमेंट अलग होता है, तभी उसको हम पूरे जड़ के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें आहार विहार है, पंचकर्म है, इसकी सहायता लेना पड़ता है। जब तक हम हमारे बीमारी को कम करने वाली चीज़ें कौन सी होती है और हमारे बीमारी को बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी होती है, जब तक ये चीज़ हम नहीं समझेंगे तब तक कोई भी बीमारी जड़ के साथ ख़त्म नहीं होती है। सिर्फ दवा लेना, कॉज को न ढूंढते सिर्फ दवा देना, दवा लेना, ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जो आयुर्वेद का जो बेस है, इसलिए आयुर्वेद में उसको पथ्य अपथ्य बोलते हैं जी। सर, डाइजेशन जो आपने प्रोसेस की बात की अभी, डाइजेशन दो चीज़ों पर अगेन फिर से डिपेंड कर सकता है। नंबर वन, आपका दिनचर्या क्या है। करेक्ट। और नंबर सेकंड, आप जो ऋतुचर्या के बारे में बताए, ऋतु बदलते रहते हैं हमारे देश में, तो उसके हिसाब से भी शायद फूड हो, तो वो आइडियल फूड क्या होनी चाहिए रोज़ के लाइफ में। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सर ने, आइडियल फूड क्या होता है। तो आइडियल फूड आयुर्वेद में बताया गया कि आहार षड रसात्मक होना चाहिए। नेचर में जो छह टेस्ट होती है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये षड रसात्मक आहार होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि किसी को इसकी डिफिशियंसी, किसी को आयरन की डिफिशियंसी, किसी को कैल्शियम की डिफिशियंसी। तो अगर हमारा जो आहार है वो छः टेस्ट से अगर भरा हुआ हो तो हमको कोई डिफिशियंसी नहीं आ सकती। आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि रोज तेल लगाना है, अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा श्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सूतक दार्ढ्य कृत। मतलब सादे तेल लगाने के इतने सारे फायदे बताए हुए हैं, हमारी दृष्टि अच्छी रहती है, हमारा आयुष्य का वर्धन होता है, हमको नींद अच्छे से आती है, हमको भूख अच्छे से लगती है, हमको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। इतनी सारी चीज़ें सादे अभ्यंग से बोली गई है, तो नींद अच्छे से होंगी तो भूख अच्छे से लगेंगी। तो ये जो चीज़ है आहार, क्योंकि कौन कितना खाता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितना पचाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा जो आहार है षड रसात्मक होना चाहिए। एक रसाभ्यासो दौर्बल्य करा नाम श्रेष्ठ, मतलब कोई भी एक ही टेस्ट अगर हम बार बार खाते हैं और ज़्यादा प्रमाण में खाते हैं तो हमको वीकनेस आने वाला है। सर्व रसाभ्यासो बल कर्ण वरा नाम श्रेष्ठ, मतलब क्या, सभी टेस्ट युक्त अगर हमारा खाना है तो हम वो आरोग्यकर कहाँ गया है और बाकी चीज़ अनारोग्यकर है। इस हिसाब से हमारा जो खान पान है अलग अलग हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, अगर बच्चा है तो उसको कफकारक जो फल वल ये चीज़ें ज़्यादा नहीं देना है, अगर देना भी है तो उसको शहद के साथ देंगे तो उसको डाइजेस्ट होगा और कफ नहीं बढ़ेगा। उस हिसाब से यंग एज में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाता है, ठंडी के दिन में हमारी भूख अच्छी होती है तो हेवी भी खा लिया तो डाइजेस्ट हो जाता है, और जैसे 40 या 50 उम्र के बाद में हमारा डाइजेशन जो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो 40 उम्र के बाद में आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि एक भुक्त रहना चाहिए, मतलब एक ही बार 12 से 3 के बीच में खाना खाना चाहिए, रात में हल्का खाना खाना है, या फिर गाय का अगर दूध भी हम लेते हैं तो वो सफिशियंट है। जरूरी नहीं है कि 40 के बाद में भी आपको दो बार खाना खाना है, लेकिन सुबह उठने के बाद में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में दांत घिसने के बाद में जो रसायन समय बताया गया है आयुर्वेद का च्यवनप्राश सेवन का, वो सही समय है। उस समय में हमने च्यवनप्राश जैसा, गाय के घी जैसा, दूध जैसा, ऐसे जो नेचुरल टॉनिक है वो अगर हम लेते हैं और रात का भोजन कम, हल्का और जल्दी करते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये इससे हमारा डाइजेशन बिगड़ेगा नहीं और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में बहुत सहायता मिल सकती है। क्योंकि और आजकल की जो लोगों की जो खान पान की आदतें इतनी बिगड़ गई है और रात में जो लेट नाइट तक जो प्रोग्राम चलते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक आध बार ठीक है, लेकिन ये अगर बार बार अगर किया, अगर ऐसी चीज़ें अगर बार बार होने लगेंगी तो आप निश्चित तौर पर बीमार पड़ने वाले हैं और इसमें आपको कोई बचा नहीं सकता, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए
आयुर्वेद की जो बेसिक चीजें है वो अगर उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, आजकल तो प्रिवेंशन को भी, जैसा ये कोरोना का भी ये प्रकरण चल रहा है, तो एक प्रिवेंशन को ज्यादा महत्व है। डिसीज होने के बाद में उसको ठीक करने के हिसाब से या उसके पीछे पड़ने से आज हमारे जो हाथ में चीज है प्रिवेंशन, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा आहार का महत्वपूर्ण उसमें रोल है। आहार को ही महा औषध बोला गया है आयुर्वेद में, कश्यप संहिता में आहार को महा औषध बोला गया है। उस हिसाब से मराठी में एक कहावत है, आहारस तारी और आहारस मारी, मतलब आहार हमको ठीक भी कर सकता है और आहार ही हमको बिगाड़ भी सकता है। उस हिसाब से ये सब्जेक्ट हमें समझ लेना चाहिए। जी जी, एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, जब कुछ देर पहले हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो इम्यूनिटी को लेकर योगा और प्राणायाम कितने फायदेमंद होते हैं? बिल्कुल, और क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रहा है, आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती जाती है। करेक्ट। तो इंटरनेशनल लेवल पे अभी योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी सरकार अभी आयुर्वेद को भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच है। और इस हिसाब से हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि पहले हम हमारी चीज को इम्पोर्टेंस दे, उसको समझ ले, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई फॉरेनर आएगा और पूछेगा कि भाई मेरे को आयुर्वेद का पंचकर्मा करना है, और हमें वो चीज़ अगर पता नहीं है तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा सुंदर सुभाषित है, उसका मैं मीनिंग आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बीमारी अगर हो गई है तो उसके लिए सबसे अच्छा आपके लिए आयुर्वेद है, क्योंकि इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। और अगर आपको कोई मानसिक अगर बीमारी है और उसको ठीक करना है तो सबसे अच्छा योगासन प्राणायाम है। जैसे कि पहले हमने हेल्थ की डेफिनेशन देखी, उसमें भी शारीरिक भाव को ठीक करना और मानस भाव को ठीक करना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। सिर्फ शरीर को ठीक करना यही एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको मन को भी ठीक करने के हिसाब से योगासन प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन योगासन प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, ये हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो मराठी में और एक सुंदर एक कहावत है, लवकर उठे लवकर निजे, त्यास सुख समृद्धि आरोग्य लाभ है। मतलब क्या, जो सुबह जल्दी उठेगा, जो रात को जल्दी सोएगा, उसको सुख समृद्धि आरोग्य मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उस हिसाब से ये सब्जेक्ट हमें समझ लेना चाहिए। तो योगासन प्राणायाम के लिए हमको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, मतलब सूरज निकलने के पहले कम से कम 1.5 घंटे का समय, वो बहुत ही अच्छा समय होता है। उठने के बाद में हमें मलोत्सर्जन होने के बाद में हमको खाली पेट योगासन प्राणायाम के लिए बैठना है। योगासन और प्राणायाम का मैक्सिमम बेनिफिट अगर हमको लेना है तो आयुर्वेद का जो दिनचर्या है वो सबसे पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में आपको नेट पे या फिर करीबी वैद्य की सलाह से आप एक सब समझ सकते हो। हमारे जो सर है वैद्य श्री समीर जमद अग्नि सर, इनके बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे आपको अलग अलग वीडियोज हो, आप जरूर सुने और उसकी भी सहायता आप ले सकते, क्योंकि ये एक टॉपिक अगर लेने जाए तो ये बहुत डिटेल में है। दिनचर्या में सबसे जो मेन बात है और पहली जो बात है वो ब्रह्म मुहूर्त पे हमें उठना है, मतलब सूरज निकलने के पहले कम से कम 1.5 घंटा पहले, और उसके बाद में शौच विधि होने के बाद में हमको दांत घिसना है, वो भी कड़वे तीखे चीजों से, ना कि मीठी चीजों से। तो क्योंकि सुबह का जो समय है वो कप का समय रहता है, और इसलिए हमें जो कप को कम करने वाली जो चीज़ें है, कड़वा और तीखा, ये कप को कम करने वाला जो टेस्ट है उसके हिसाब से हमें कड़ू नीम की दातुन वगैरह करना चाहिए। जी, तो योगासन प्राणायाम जो करने का जो सीक्वेंस है, तो पहले आयुर्वेद में बताया गया है कि पहले पूरे शरीर को तेल लगाना है, इसके बाद में उबटन से नहाना है, और उसके बाद में शरीर शुद्ध होने के बाद में हमको योगासन प्राणायाम के लिए हमें बैठना है। मतलब पहले शरीर शुद्धि बताई गई है और उसके बाद में मन की शुद्धि, क्योंकि शरीर शुद्ध है तो उसमें मन अच्छा रहेगा। और ये जो सीक्वेंस है अगर हम करके देखते हैं तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट वो व्यक्ति को मिलना है। और आयुर्वेद में भी मन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और रसायन जो टॉपिक है आयुर्वेद का इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से भी, तो सबसे उसमें जो बेस्ट रसायन जो बताया है वो है आचार रसायन। आचार रसायन मतलब जो खाने वाला जो आचार है वो नहीं, हमारे आचार विचार, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, ये सबसे बड़ा रसायन। चौंपरा से भी ज़्यादा बड़ा जो टॉनिक है वो है हमारे विचार अच्छे होना चाहिए, वो आयुर्वेद में उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। और मन को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो योगासन प्राणायाम है। तो हम हमारे शरीर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, एज के हिसाब से खाली पेट दोनों टाइम हम अगर योगासन प्राणायाम करते हैं तो इसका हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। और आयुर्वेद और योग ये एक ही कॉइन के दोनों साइड है, दोनों अगर बहुत अच्छी है तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे और मैक्सिमम लेवल तक हम हमारी इम्यूनिटी अच्छी कर सकते, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जी सर, समय चला जा रहा है इसलिए मैं इस कार्यक्रम को यहाँ रोकता हूँ।
आपके एक मैसेज के साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपसे बात करेंगे कोविड क्या है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है वगैरह, लेकिन फिलहाल एक मैसेज क्या देंगे आप जनता को और गवर्नमेंट को? तो ये जो कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम के थ्रू मैं सभी भारतीय लोगों को और विद्यार्थियों को और आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे जो वात पित्त कफ है ये जब तक बिगाड़ उसमें नहीं आता है तब तक कोई बीमारी नहीं होती। जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तब तक हम बीमार नहीं पड़ सकते। हम बीमार ही ना पड़े इसलिए आयुर्वेद लिखा गया है। हम हमारे शास्त्र को उस हिसाब से देखना चाहिए, उस हिसाब से जो बेसिक चीज़ें है दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, रजस वाला परिचर्या, ऐसे बहुत सारी परिचर्याएँ हमें दी गई है। मतलब खान पान के जो नियम है, बर्ताव के जो नियम है, वो अगर हम बेसिक चीज़ें हम समझ सकेंगे तो निश्चित तौर पे हम कोरोना जैसी कोई भी महामारी को, कोई भी बीमारियों को, ये सब चीज़ों को साथ में लेके हम निश्चित तौर पे हरा पाएंगे। और ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं भारत सरकार को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हालांकि आपने जो ट्रीटमेंट है कोविड के लिए चालू तो किया, लेकिन उसमें भी हमने एक महीना समय लिया है, लेकिन हम हमारे चीज़ों को पहले विश्वास में लेना चाहिए। और जब तक कोई बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो वो कंट्रोल होने में बहुत तकलीफ हो सकती है, उसमें हमारा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी ओर से हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये इस हिसाब से अभी हमने जागना चाहिए, आयुर्वेद को समझे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे कोरोना को निश्चित तौर पे हरा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आने वाले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे एन कोविड 19, उसकी रोकथाम कैसे की जाती है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।